महाबलेश्वर के अंदर स्ट्रॉबेरी गार्डन के अंदर आए हुए हैं और इस गार्डन की खसूसियत ये है इसको टिश्यू कल्चर के जरिए जो है मैन्युफैक्चर किया हुआ है। टिश्यू कल्चर यानी कि पौधे का कोई एक हिस्सा लेकर जो है उसे ऐसा माहौल दिया जाता है कि वो जो है नशोनुमा पास पा सके। टिश्यू कल्चर के अंदर जो मतलूबा खसूसियत होती है उसको लेकर जो है तमाम चीज़ें मुहैया कर जो है उसे बेहतरीन तरीके से नशोनुमा करके फसल हासिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये महाबलेश्वर के अंदर जो है इसको ग्रीन गार्डन के नाम से जो है जाना जाता है और यहाँ पर अलग अलग फ्लेवर्स के जो है आइसक्रीम्स भी मिलते हैं। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिए कि ग्रीन हाउस आप लिखा हुआ है तो इसमें अलग अलग फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे पीने के लिए, तो हम इंशाल्लाह ट्राई भी करेंगे यहाँ पर। सर कौन कौन से यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का जार है, स्ट्रॉबेरी एक्सट्रीम फेमस है, उसमें ये राजबेरी का है, राजबेरी कच्चा फल लगा है। अच्छा ये राजबेरी है, काला फल आता है। अच्छा और शेतूत एनिमल बेरी, शेतूत तो मालूम है। शेतूत सर कौन सा जो है, स्ट्रॉबेरी क्रीम ज्यादा फेमस है, उसमें ताजा स्ट्रॉबेरी का पीस करके देते, आइसक्रीम क्रीम आता है मिक्स करके खाने का। ओके 90% लोग महाबलेश्वर में आए तो खाते हैं राजबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है वो कितने दिन तक रुक सकता है? आज लिया तो कल तक रुक सकता है, बस बस ये तो खत्म होता है गर्मी का। हमारे व्यूअर्स को जो है जरा बताइए, और कच्चा लिया तो कच्चा नहीं मिलता है। टिश्यू कल्चर की पैदावार की जाती है ये जो स्ट्रॉबेरी, ये जो है ना ये एक नया कंसेप्ट है टिश्यू कल्चर जी, जो अपने पास में जो है 9th class के भी सिलेबस में है और 10th class में भी उसका कुछ पार्ट जी। तो ये जो टिश्यूज जो रहते हैं यानी हम सेल्स खलिए को एक साथ मिलाएंगे तो वो बनेगी बाफ टिश्यू नसीज, तो वह नसीज की नशोनुमा की जाती अंडर सुपरविजन यानी एक कंट्रोल हालात के अंदर, तो ये फिर उस तरीके से जो है ये बढ़ते। अपने को जिस टाइप का वैरायटी होना, ये देखिए ये जो है उसका ये पहले फूल है, ये फूल बाद में ये यहाँ देखिए इस तरह से फल में तब्दील हो रहा। ये फूल में जब इसकी जेरगी का अमल होता तो जेरगी के अमल के बाद में बारावरी होती और बारावरी के बाद में फिर ये फल में तब्दील। ये फल अभी जस्ट तैयार होने वाला है, फिर ये धीरे धीरे फल इस तरह से बड़ा और बड़ा होने के बाद में अब ये फल जो है ये पकने की हालत पर आ रहा है। और ये वाले देखिए ये एकदम तैयार हो गया, अब ये स्ट्रॉबेरीज ये फल इस तरीके से पूरे तैयार हो गए और ये अब बिल्कुल खाने लायक है या इसको जिस भी तरीके से इस्तेमाल ये यहाँ से जी। ये जो फल है ये फल हम इसको इस्तेमाल कर सकते। सर ये टिश्यू कल्चर सिर्फ नबातात के अंदर होगा या हैवानात के अंदर? नहीं नहीं, नबातात के अंदर भी है, यानी ये उसकी अभी उस तरीके से प्रोसेस शुरू नहीं हुई, लेकिन जो है ये नबातात के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब ये प्रोसेस है। जैसा केले की जो फसल जो है वो भी आजकल जो है टिश्यू कल्चर के तरीके से, जितनी भी जो है बागात वाली खेती है वो इसी तरीके से की जा रही है। सर हमने 9th के अंदर पढ़ा है कि जो टिश्यू कल्चर है वो एनिमल्स के अंदर भी होता है और वहाँ पर जो आजा है वो आजा की पेवंदकारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वो तो उसी के लिए जो उसको बनाया गया है, लेकिन उसके लिए स्टेम सेल की रिक्वायरमेंट है, यानी इंसान के लिए या हैवानात के लिए अगर अपने को ये करना है तो उसके लिए जो है उसकी स्टेम से जिसको बोलते हैं की रिक्वायरमेंट, वो भी आजकल टेक्निक शुरू हो गई, प्रिजर्व करके रखा जा रहा है उसको और प्रिजर्व करके रखने के बाद में उससे मुख्तलिफ आजा बनाए जा रहे और उससे पेबंदकारी की जा रही, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स जिसके लिए वो हो रहा है। बेहतरीन, शुक्रिया सर, जज़ाकअल्लाह। ये थे देखिए हम जो है ग्रीन गार्डन में, अब जो है हम थोड़ा सा जूस का भी जो है मज़ा लेते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, शुक्रिया।